गठबंधन का मिशन पूर्वांचल आज से शुरू हो रहा है। पूर्वांचल के करीब 6 लोकसभा सीटों को साधने के लिए गठबंधन की जौनपुर और भदोही में रैली होने जा रही है। रैली में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती और आरएलडी से अजीत चौधरी रैली को संबोधित करेंगे। भदोही में रैली को लेकर कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह बना हुआ है। गठबंधन भी आज से पूर्वांचल का मिशन शुरू करने जा रहा है। आज पूर्वांचल में दो बड़ी रैलियां हैं गठबंधन की, और एक तरफ गाजीपुर से शुरुआत होगी ठीक 2 बजे, और दूसरी रैली जो गठबंधन की होगी वो 3:30 बजे भदोही में होगी। इस समय आप ये भदोही में पूरा जो मंच है वो सजा दिया गया है, और जहां पर भी गठबंधन की रैली होती है या जहां पर भी अखिलेश यादव अगर अलग भी रैली करते हैं तो मंच ठीक इसी तरह रहता है। सपा, बसपा और आरएलडी तीनों जो पार्टियां हैं उन तीनों के जो बड़े नेता हैं उन सब के चेहरे आपको दिखाई देते हैं। अभी से कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं और 3:30 बजे का है, तो आप लोगों का क्या मानना है, जो पीएम मोदी की रैली थी उसका उसका हिसाब, उससे आगे बढ़ेंगे आप लोग, वो जो 2 लाख के दावा कर रहे थे भदोही में? बिल्कुल सर, यहाँ पे तो 3 गुना ज्यादा भीड़ होने वाली है, और वो बिल्कुल हतोत्साहित हैं, उत्साहित हैं, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनके विचारों को सुनेंगे, और यहाँ पे जोश है। यहाँ पे सिर्फ अगर सिर्फ लहर है तो गठबंधन का है, गठबंधन की है। और देखिए, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम आनंद मालवीय है। आनंद मालवीय जी की टोपी देखिए, इसमें रंगनाथ मिश्र हैं जो प्रत्याशी हैं, और गठबंधन के जो दोनों स्टार प्रचारक हैं, इस तरफ मायावती है, इस तरफ अखिलेश यादव हैं, तो आप लोगों साफ दिखाई देगा आज। जवाब आपको देना भी है कि जो पिछली रैली हुई थी प्रधानमंत्री की, उससे भी तुलना की जाएगी, कितना उत्साह है आप लोगों में? उत्साह चरम पे है, और यहाँ भीड़ तिगनी रहेगी, और जो इनका जो नौटंकी है मोदी जी का 56 इंच का जो सीना लेके चल रहे हैं, जो सर्कस दिखा रहे हैं, 12 तारीख को जनता जो है इनका सर्कस का जवाब दे देगी। ये बताइए सर, ये कहा जा रहा है कि भले ही नेताओं ने गठबंधन कर लिया, जो बड़े नेता थे आप दोनों पार्टियों के, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले, ऐसा है? मिल गए, क्योंकि बहुत आप लोगों ने विरोधी घुर विरोधी रहे उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां। जी, इस समय बसपा और सपा, ये दोनों एकदम, इनको कोई तोड़ ही अब नहीं सकता। और क्या नाम है सर आपका? दीनानाथ यादव। दीनानाथ यादव जी, गलत तो नहीं कह रहे हैं, 20-30 सालों की जो परंपरागत लड़ाई थी बसपा सपा की, एकदम से कार्यकर्ताओं के दिल तो मिले नहीं होंगे इतनी जल्दी? एकदम संपूर्ण दिल मिल गए हैं, ये केवल मीडिया हवा बनाती थी, ऐसा जमीन पे हम लोग पहले से ही सौहार्द भाव से चलते हैं। और सौहार्द भाव तो आप कार्यकर्ताओं के साथ जो बीजेपी और कांग्रेस के उनके साथ भी रहते होंगे, लड़ाई तो नहीं करते होंगे उनके साथ भी? नहीं नहीं, लड़ाई मान ली, वो तो राजनीति शिष्टाचार तो हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि कहीं किसी से विरोध होता ही नहीं है, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन हमारा जो गठबंधन का, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, हम दोनों का कल्चर, रहन सहन, हाँ, और आइडियोलॉजी जो है एक पहले से ही है। बुजुर्ग है, क्या नाम है सर आपका? रामचरण नाम है। रामचरण जी, आपने कई चुनाव देखे होंगे, ये चुनाव क्या खास है आप लोगों के लिए? हाँ, मायावती ने, लल्लू जो गौतम है बहुत, वो हमारे जिदार थे, वो भी यहाँ पर लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हमारा गांव भी लड़ रहा है, अहिल भी लड़ रहे हैं, सब कुछ। तो जवाब देंगे आप बीजेपी को? अभी शायद एकदम एकदम जनता लोगों से एक सवाल है कि बीजेपी ने अपने नारे दिए, मैं भी चौकीदार हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, एक और नारा दिया, एक बार फिर से मोदी सरकार, कांग्रेस ने कहा अब होगा न्याय, गठबंधन का क्या है नारा? एकदम गठबंधन का नारा, गठबंधन का नारा परिवर्तन है, देश में बीजेपी के कुशासन से जनता ऊब चुकी है, और बीजेपी वाले केवल जो नारा देते हैं देश का ध्यान भटकाने के लिए, उनका कोई नारा काम करेगा? क्योंकि नारा जमीन में बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है। भदोही की जनता इस बार झूठ बेनकाब करेगी, और जो भगोड़े सांसद हैं जो भाग के बलिया गए हैं उन्हें पूरा जवाब देगी, 12 तारीख को पूरा जवाब मिलेगा उन्हें। ये बसपा और सपा के कार्यकर्ता हैं, काफी उत्साहित हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ से बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, यहाँ से वो बलिया से लड़ रहे हैं, और इस बार इस लोकसभा सीट में भी मुकाबला आमने सामने का होगा। कैमरामैन बाबूलाल के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, भदोही।